एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी डायलॉग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आज सुबह सुबह, ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चला, ये सभी चीजें मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। व्यूअर्स, आपको बस ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को जबरदस्ती हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है, एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए जी, फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में रहे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या रही हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए किस एनर्जी में व्यूअर्स के पर्सन हैं, गाइड कीजिए। वैनिटी, रिजेक्शन, प्रिजर्वरेंस, फॉरगिवनेस, मिस्टिज्म, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या रही हैं। टायर्ड, क्विक मूव, लव ऑफर, स्ट्रेंथ, बैड टाइमिंग। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ना ये चीजें तो हैं कि ये पर्सन होना हो बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीजें तो मुझे दिखाई दे रही है कि आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, बहुत बुरा वक्त इनका अब चल रहा है, बहुत बुरे हालातों से ये पर्सन अब गुजर रहे हैं, और जैसे ही आपको ना दिखाई नहीं दे रहे, इनके बारे में आपको कुछ पता नहीं चल रहा, अपना कोई अता पता, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस कुछ भी आपको नहीं दिखा रहे, एकदम गायब जैसे हो गए हो, तो उसके पीछे का रीजन भी यहाँ पर यही बना हुआ है कि ये बहुत बुरे हालातों से, बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और ये नहीं चाहते अपने आप को जिन हालातों से गुजर रहे हैं वो हालात आपको दिखाना, ठीक है। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम इस इंसान को है विद दिस वैनिटी, और इसी रीजन की वजह से ये इंसान अभी भी लगे पड़े हैं शो ऑफ करने में, यानी कि यही दिखाने में कि इनके पास जो है, जैसा है, वो सब पर्याप्त है या उन सभी चीजों से ये खुश हैं। लेकिन सुबह सुबह की एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे ये शो ऑफ करते करते, दिखावा करते करते, इस तरह की जिंदगी जीते जीते अब ये थक गए हैं। क्योंकि देखो, आप कितने दिन ये शो ऑफ कर पाओगे, कितने दिन आप अपनी खुशियां जबरदस्ती ढूंढ पाओगे, या कितने दिन आप जबरदस्ती अपने आप को खुश रख पाओगे? खुशी तो दिल से होती है, मन से होती है, अपने आप से होती है। तो ऐसा देख पा रही हूँ जैसे ना सुबह सुबह इनके दिल में ये चीजें बहुत ज्यादा डेवलप हो रही हैं, इस चीज को लेकर काफी ज्यादा उदासी इनको फील हो रही है, या ये काफी उदास है कि अब ये थक गए हैं, ये दिखावा करते करते, शो ऑफ करते करते, आखिर किसे दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, इन सभी चीजों से इन्हें क्या मिल रहा है, इनसे क्या खो रहा है, ये सभी चीजों को ये पर्सन काफी ज्यादा ओवर थिंक भी कर रहे हैं, और उतना ज्यादा यहाँ पर ये पर्सन थकान अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। इन्हें ना ऐसा फील हो रहा है मॉर्निंग में बेसिकली कि ये जो आज इन हालातों से गुजर रहे हैं, या चीजें इन्हें ऐसी दिख रही हैं कि कोई भी इनके आसपास नहीं रहना चाहता, कोई भी इनके साथ दोस्ती नहीं चाहता, तो उसके पीछे का रीजन यही है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में ना सही वक्त पर सही एक्शन नहीं लिए, या क्विकली एक्शंस नहीं लिए, ठीक है। जैसे भाई आज 4G की दुनिया है, तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी काम करने वालों का ही काम है,
जो लोग अभी भी 2G पे पड़े हुए हैं उन लोगों का कोई काम नहीं है। जैसे कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ इंसान को बदलना पड़ता है, जगह के साथ साथ इंसान को बदलना पड़ता है, या जगह के साथ साथ वक्त के साथ साथ इंसान को तुरंत एक्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन इस इंसान ने ना वही नहीं करा। एक वक्त पे ना इन्हें ना चेंजेस जो भी थे वो एक्सेप्टेबल नहीं थे या कर नहीं पा रहे थे। यानी कि जिस तरह से आप इन्हें इस रिश्ते में चीजें बदलने के लिए बोल रहे थे, मूव लेने के लिए बोल रहे थे, इन्हें वो चीजें हजम नहीं हुई, इन्हें वो चीजें रास नहीं आई, और इन्होंने अल्टीमेटली बजाय वहां पे क्विकली मूव करने के इन्होंने आपके साथ के ऑफर को रिजेक्ट करा, या इन्होंने आपको ही रिजेक्ट करा। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज है कि आप उस वक्त पे इन्हें काफी सारे ऑफर्स दे रहे थे, काफी सारी चीजें ऐसी इन्हें बता रहे थे कि कैसे ये अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, अपने आज में इन्हें रहना चाहिए, या कैसे इन्हें यहाँ पर स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। तो ओवरऑल यहाँ पर ना आपने इस इंसान को जिंदगी जीने का तरीका बताया, या इनके तरफ आपने हर वो ऑफर्स दिए जिससे जिंदगी बदल भी सकती थी, लेकिन इस इंसान ने उन्हें समझने की बजाय उन्हें रिजेक्ट करा, जिसका शोक, जिसका खेद ये पर्सन अब मना रहे हैं, जिसको लेकर इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो ऑफर्स थे वो इस इंसान के लिए वो पंखों के बराबर थे, वो पंख जिनसे ये एक उड़ान भर सकते थे, जिनसे ये अपनी जिंदगी में स्ट्रेंथ पा सकते थे, जिनसे अपने बुरे वक्त को ये दूर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वो नहीं करा। और उन सभी चीजों के लिए जैसे दिल में इनके एक सॉरी जैसी फीलिंग्स, एक सॉरी जैसा एहसास यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ। तो सुबह सुबह व्यूअर्स, ये पर्सन अगर कुछ ओवरथिंक कर रहे हैं या अगर इन्हें कुछ चीज परेशान कर रही है ना, तो वो कर रही है आपने जो भी परिश्रम करे, आपने निरंतर जो भी अभ्यास करा इस इंसान को इस रिश्ते में बनाए रखने के लिए, इस इंसान की लाइफ में बने रहने के लिए, उन सभी चीजों को लेकर ये पर्सन काफी ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन ऑफर्स को ठुकराकर इन्होंने अपने आप को खुद से अकेला कर लिया, खुद से अपने बुरे वक्त को इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया। तो ऐसी चीजें इनके दिल में सुबह सुबह बहुत ज्यादा पनप रही हैं, डेवलप हो रही हैं, जो इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने घमंड के चलते भी यहाँ पे ना आपके ऑफर्स को, आपके परिश्रम को ठुकराया। जैसे कुछ लोगों का ये सोचना है ना कि भाई मेरा क्या है, मेरे को तो मिल ही जाएगा, मैं वो एबिलिटी रखता हूँ या रखती हूँ, या वो गट्स है मेरे अंदर, वो मुझे मिल ही जाएगा। और उसी चीज ने इस इंसान को यहाँ पर ठोकर मारी है, उसी चीज ने अब इस इंसान को यहाँ पर थका कर रख दिया है। अब उस स्टेज पे पा रहे हैं कि उतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची कि आगे से आकर आपसे माफी मांग ले, या आगे से चलकर आके इस रिश्ते को सही करने के लिए आपसे एक मौका मांग ले। तो उतनी भी स्ट्रेंथ इस इंसान को अपने अंदर यहाँ पर नहीं महसूस हो रही है। चलिए टैरो से देखते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। फाइव ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि नंबर 5, यानी कि आपका मई मंथ, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स की, डेफिनेटली एक तो ओवरथिंक करा जा रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेस में सोचा जा रहा है, और जितने भी थॉट्स दिल और दिमाग में इस वक्त में घूम रहे हैं वो इन्हें काफी ज्यादा निराशाजनक बना रहे हैं, या काफी ज्यादा इन्हें नेगेटिव बना रहे हैं, और वही ओवर थिंकिंग जो है इस इंसान को थका रही है मेंटली तौर पर। इन्हें ऐसा लग रहा है मानो कि ये शो ऑफ करके अल्टीमेटली इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या झंडे गाड़ लिए, या इन्होंने क्या हासिल कर लिया। इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो ये शो ऑफ करके, घमंड के चलते इन्होंने अगर कुछ करा ना अपनी जिंदगी में तो सब कुछ खोया, सब कुछ बर्बाद करा। यानी कि व्यूअर्स, इस इंसान को होना हो अपनी जिंदगी में चलते हुए नुकसान को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर टेंशन हो रही है। सब कुछ चीजें
सब हालात बिल्कुल अपने अपोजिट जाते हुए, अपने विपरीत जाते हुए इस इंसान को जितना ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, उतना ज्यादा इनके दिल में डर यहाँ पर डेवलप हो रहा है। अभी तक यही शो ऑफ, यही घमंड इन्हें अपने फेवर में आता हुआ दिख रहा था। हो सकता है इस रीजन की वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, लेकिन अब तो यहाँ पर लोग ना दूर जाते हुए इन्हें नजर आ रहे हैं और वही चीजें इन्हें अपने आस पास सिर्फ और सिर्फ नुकसान होते हुए दिखा रही है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, भाई नंबर फाइव यानी कि मई मंथ डेफिनेटली काफी लोगों के लिए मुझे खास बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि, मुझे ना यहाँ पर ये चांसेस ज्यादा बनते हुए दिख रहे हैं कि एक वक्त भी इस इंसान ने क्विकली मूव तो करा, एक्शन तो लिया, लेकिन वो एक्शन, वो मूव उस वे में था कि ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपके ऑफर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको कोल्ड में छोड़ रहे हैं, तो उस तरह का मूव था। क्योंकि यहाँ पर ये इंसान अपने उसी मूव को लेकर अपने आप को बेनतहा तनहा, बेनतहा अकेला पा रहे हैं। जैसे कि वो मूव नहीं था, वो इन्होंने अपनी जिंदगी में अपने लिए एक जेल अट्रैक्ट करी थी, जिसमें अभी अपने आप को बैठे हुए पा रहे हैं। मुझे ना बहुत ज्यादा ये चांसेस दिख रहे हैं इनके शो ऑफ के चलते इन्होंने ना अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा खो दिया है, यानी कि फाइनेंशियली लेवल पर मुझे नुकसान इस इंसान को पहुंचते हुए यहाँ पर फील हो रहा है। इस इंसान ने ना होना हो शो ऑफ के चलते ना दूसरों की मदद ज्यादा करी है, दूसरों के की इन्होंने ज्यादा सुनी है, या दूसरों की जरूरतों को, दूसरों की खुशियों को इन्होंने ज्यादा पूरा करा है। एक होता है ना कि दिमाग में कि भाई मैं सबके लिए करता हूँ या सबके लिए करती हूँ और सब मेरे लिए करेंगे, उसके लिए अगर इन्हें आपसे दूर जाना पड़ रहा था, आपको छोड़ना पड़ रहा था, तो ये उनके लिए भी तैयार हो गए थे। एज एन एक माइंड सेट इनका ये हो गया था, ब्रेन इनका इस वे में वर्क करने लगा था कि अगर ये दूसरों के लिए काम करेंगे, दूसरों की जरूरतों को, खुशियों को पूरा करेंगे, तो ये लोग इनकी तकलीफ में इनका साथ जरूर से देंगे। लेकिन वो लोग अभी ने यहाँ पे साथ नहीं, साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं कि लोग अब इनका साथ छोड़ रहे हैं, पैसा इनका साथ छोड़ रहा है, और वही चीजें इनके आत्मविश्वास को, इनके कॉन्फिडेंस को मार रहा है, उसे कमजोर कर रहा है। और यही चीजें ना अब इस इंसान को व्यूअर्स समझा रही है कि इन्हें इस वक्त में किसकी जरूरत है। अब इन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, इन्हें प्यार की, सहारे की, सपोर्ट की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं इन्हें आपसे मिलता था, आप इन्हें देते थे, या आप इन्हें देना चाह रहे थे, या आप इन्हें दे सकते थे। तो वही सभी चीजें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा तनहा, बहुत ज्यादा अकेला कर रही है, या वो एहसास दिला रही है कि बहुत ज्यादा तनहा, बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, बहुत सारे कार्ड्स हैं ये, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी। फाइव ऑफ कप्स, भाई फाइव नंबर के पीछे का राज क्या है आप मुझे जरूर से बताइएगा। किसी ना किसी तरह से तो ये रिलेट कर रहा है आपसे, पांच साल, पांच महीने, मई मंथ, ऐसे करके आपको लेना है, या आपका डेट ऑफ बर्थ, या आपका रिश्ता इतने साल का था, ऐसे करके। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, देखो यहाँ पर ये चीजें तो है, एक वक्त इस इंसान ने आपके दिए हुए ऑफर्स को, लव ऑफर्स को इन्होंने ठोकर मारी, पैरों से इन्होंने उसे कुचला, या फिर इन्होंने उसे इग्नोर करा, उसे देखकर अनदेखा करा। लेकिन सुबह सुबह जैसे इस इंसान को सब अपने आप से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, या सब जिनके लिए इन्होंने बहुत परिश्रम करा, वो लोग इन्हें इनके खुद के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं, उतना ज्यादा इस इंसान को अपना आज एकदम कष्ट में होता हुआ फील हो रहा है। ठीक है, या उतना ज्यादा अफसोस में ये पर्सन अपने आप को देख रहे हैं। इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो भी कष्ट है ना इनकी जिंदगी का, ये भर नहीं पाएगा, इसकी कोई भरपाई नहीं है। ये वो गिल्ट है, वो तकलीफ, वो अफसोस है जिसे ये कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाएंगे, भर नहीं पाएंगे। ये पर्सन ना बार बार उस गुजरे वक्त को सोच रहे हैं, उस पास्ट को सोच रहे हैं, जिस पास्ट में आपने इनकी तरफ बहुत सारे ऑफर्स भेजे या बहुत ज्यादा कोशिशें करी, यानी कि उनको सोच सोच कर ये पर्सन अपना दिल दुखा रहे हैं, या ये कह सकते हो
उन सबको सोच सोच कर ये पर्सन अपने आज को जो अब इन्हें दिखाई दे रहा है उसे ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एनर्जी इनकी व्यूअर्स यहाँ पर है सुबह सुबह की। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, प्लीज स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो नंबर वन यानी कि जनवरी मंथ आपके लिए इस पर्सन के दिल में सुबह सुबह बेहद ज्यादा पैशन तो जागा है, और ये पैशन उस चीज का है कि किसी ना किसी तरह से अगर ये आपसे माफी मांग लेते हैं ना, तो शायद ये जो बोझ है इनके सीने पर, ये बोझ इनका हल्का हो जाएगा, या इनके अंदर जो स्ट्रेंथ नहीं डेवलप हो पा रही अपने आज से लड़ने की या इस बदलाव को स्वीकार करने की, तो शायद वो इनके दिल में वापस से डेवलप हो जाएगी। यानी कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स कि अगर ये माफी मांग लेते हैं तो शायद ये अपने पास्ट को लेट गो कर पाएंगे, या अपने आज को जी पाएंगे, या आने वाले कल पर ये पर्सन वर्क कर पाएंगे। तो वो उतावलापन, वो पैशन इस पर्सन के दिल में यहाँ पर सुबह सुबह बहुत ज्यादा यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए, बताइए सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन सुबह सुबह व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। टेन ऑफ कप्स, अपने बुरे वक्त को देखकर ये पर्सन आपके साथ जो अच्छा वक्त इन्हें मिल रहा था उसको इनके थ्रू, इनके माध्यम से बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है, उसको सोच सोच कर ये पर्सन अपने आप को और ज्यादा बंद करते जा रहे हैं, और ज्यादा अपने आप को हाइड करते जा रहे हैं। रीजन जस्ट इतना है क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि जो ये सोच रहे हैं, जो ये सोचना चाह रहे हैं, या जो ये अपनी जिंदगी में आप अट्रैक्ट करने की इच्छा रख रहे हैं, वो कभी हो नहीं पाएगा। तो ऐसी चीजें इस इंसान को बहुत ज्यादा सुबह सुबह डिस्टर्ब तो कर रही है। चलिए देखते हैं सनाजी के साथ ये पर्सन आपसे क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से इस एनर्जी, इस एहसास के साथ क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस दीजिए और बताइए, स्प्रिट गाइड गाइड कीजिए। आई फील एम्बेरस्ड फॉर माई मिस्टेक, बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट इस इंसान को अब हो रही है जो भी गलतियां इन्होंने इस रिश्ते में करी, आपके साथ जो भी बुरा करा। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई एम बिजी, कहना चाह रहे हैं कि शायद अब इनके पास समय नहीं है, बहुत ज्यादा बिजी है, या अब बस अपने आप को बिजी ही रखना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यही एक माध्यम है, ताकि उस माध्यम के थ्रू ही अपने आप को संभाल पाएंगे। Why don't you understand me, कहना चाह रहे हैं कि आप अब इन्हें क्यों नहीं समझ रहे हो, या इनके हालातों को आप क्यों नहीं समझ रहे हो, ये कहने की इच्छा है इनकी। Why are you running away from me, कहना चाह रहे हैं अब आप मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, यानी कि कल तक तो आपके ऑफर्स आते थे, आप इनके तक करीब आते थे, लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है आप इनसे दूर भाग रहे हो। आई वुड डू एनीथिंग टू बी विद यू, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बस अगर इन्हें इसके बदले आपका साथ मिल जाता है तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये भी कहना चाह रहे हैं। चलिए ये देखते हैं यूनिवर्स, ये डिवाइन, ये एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रही है, क्या करने के लिए आपसे बोल रही है, आपको क्या करना चाहिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए डिवाइन, मेक अ मूव गाइड कीजिए, बताइए स्प्रिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन को क्या करना चाहिए। हम मेडिटेशंस फॉर क्रिएटिविटी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस, आपसे ये बोला जा रहा है सबसे पहले ना अपने थॉट्स को यहाँ पर क्लियर कीजिएगा कि अब आपको अपनी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, ये सब कहाँ दिखाई दे रही हैं, क्या आपको इस इंसान की तरफ ये चीजें दिख रही हैं जब आप देख रहे हो, या फिर आपको कहीं और दिख रही हैं, या आप कहीं और देखना चाह रहे हो, क्योंकि आपको ये चीजें अब डिसाइड तो करनी पड़ेंगी। जब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे तब तक आप अपनी जिंदगी में मूव नहीं कर पाओगे। तो आपसे ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि अब आपको सबसे पहले इन चीजों को डिसाइड करके उस चीज पर आप अपना फोकस लगाना है, उसके लिए आपको बाय हुक बाय क्रुक कुछ भी करना है, यानी कि किसी भी तरह से आपको उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से वहां पे एफर्ट्स डालने हैं।
और आपसे ये भी बोला जा रहा है साथ साथ में आपको अपने मन को शांत भी करना है, या हो सके तो ये फैसला लेने से पहले आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा, उसका अभ्यास कीजिएगा, और फिर उसके बाद ये देखिएगा कि आपकी जिंदगी में अब प्रॉस्पेरिटी अबेंडेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, देन आप वहां पे मूव करिएगा। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में ऐसा गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय बाय।